जो हिसाब से हम लोग फ्राई कर रहे हैं ये एक पपड़ी नहीं बनेगा, अगर मेरे हिसाब से आप लोग बना लेंगे एकदम जबरदस्त। और हमारा आप लोग देख सकते हैं फ्राई करने का तरीका कुछ ऐसा है, देखो पूरा एकदम रियल में असली में। अगर आप लोग भी घर बैठे बनाना खाना सोच रहे हैं बाजार जैसा, तो आज के बाद किसी से पूछने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं घर बैठे पानी पूरी बनाकर खाने के लिए ना, उनके लिए आज का वीडियो बहुत खास बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। जैसा कि मैं खुद बनाता हूं ऐसा ही आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं जो मेरा पानी पूरी गोलगप्पा आज का बना बना कैसा है, अगर आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सही है कि गलत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया, कितना फुला फुला, कितना क्रिस्पी और कितना करंची है। ये देखो ऐसा अगर आप भी सोच रहे हैं ना घर बैठे बनाना, बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। चलो मैं बनाना शुरू करता हूँ, बिल्कुल अच्छे से देखना, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज का वीडियो। हम सबसे पहले डालेंगे आटा, उसके बाद मशीन चालू करेंगे। ये हमारा गोलगप्पे का आटा, इसमें हम लोग लगाते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये हो गया। अब हमारा मशीन चालू, अब इसमें हम आटा लगा लेते हैं अपना। ये हमारा 5 किलो का मशीन है। आज हम गोलगप्पा बनाने जा रहे हैं बिल्कुल स्पेशल, सिर्फ घर के हिसाब से, सिर्फ घर पे। जो लोग भी सोच रहे होंगे गोलगप्पा बनता कैसा है, बिल्कुल दुकान वाले बनाते कैसे हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी वाले गोलगप्पे। अगर आप लोग घर बैठे और बिल्कुल बाजार जैसा सोच रहे हैं बनाना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर हमारा अभी बेलना भी शुरू है, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल एकदम स्पेशल बाजार जैसा बनाने का तरीका। बनाना कैसा है अगर आप लोग भी सोच रहे हैं बाजार जैसा घर पर बनाना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही खास बहुत जबरदस्त ये वीडियो होगा। अब देखो सबसे पहले आपको लेना है सूजी, और ये सूजी ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है, बिल्कुल मीडियम वाला सूजी है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं भैया घर के हिसाब से बताओ, घर के हिसाब से बताओ, तो आज मैं स्पेशली घर के हिसाब से ही बता रहा हूँ। देखो ये एक कटोरी हमारा जो है ये है सूजी, बिल्कुल मीडियम वाला सूजी है, और उसके बाद इसमें हम एक चुटकी के हिसाब से डालने वाले हैं मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो अपना क्या बोलते हैं पकौड़ी भजिए उसमें डालते हैं वो वाला सोडा। ये देखो बिल्कुल मीडियम वाला सूजी, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से देखेंगे समझ पाएंगे ये, और ये थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ये आ गया सोडा। अब इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। ये सिर्फ स्पेशल सूजी वाले गोलगप्पे बनाने जा रहा हूँ, जो लोग घर पे सोच रहे हैं सूजी वाले गोलगप्पे बनाना, उनके लिए बहुत खास बहुत जबरदस्त होगा। अब ये हिसाब से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा लेना है। अब ये हिसाब से हम इसका आटा तैयार करेंगे बिल्कुल एकदम अच्छे से। अब आप लोग देख सकते हैं, और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि जैसे आप लोग अगर सूजी वाले गोलगप्पे बनाओ तो आटा आटे में जब पानी मिलाना है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है, ये नहीं कि एकदम से थोड़ा, ये बाद में कैसा बाद में पानी ये छोड़ेगा जब ना फूल जाएगा जब सूजी तो पूरा नरम हो जाएगा। इससे अच्छा कभी भी इतना ध्यान देना कि आटा सूजी में जब एकदम टाइट एकदम आटा लगाना इसका एकदम बढ़िया। ये हिसाब से देखो कितना थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल रहे हैं इसमें, ये हिसाब से ही मिलाना है। अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा होगा तो पूरा एकदम नरम हो जाएगा आपका आटा, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना। अब ये हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद अब बढ़िया से इसको मसल के चेक कर लेना है कि हमारा परफेक्ट है पानी की ज़्यादा है कम है। अब ये हिसाब से बाद में इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं बता दूं, आटा लगाने के बाद ये सोचो कि मेरा टाइट हो गया तो इसको थोड़ा सा नरम कर लूं तो भी ख़राब हो जाएगा, और अगर नरम हो गया बाद में हम थोड़ा सा आटा मिला देंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। जो भी है एक बार में ही करना है, और यही चीज़ सबसे बड़ी बात है, जब तक आपका ध्यान से करेंगे नहीं जब तक अच्छा बनेगा नहीं, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। और जो अगर मेरा आटा आप लोग देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ना ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा टाइट है। अब देखो ये सूजी अगर फूलेगा तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये हिसाब से हम इसका आटा लगा लेते हैं, लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम
छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए अच्छे से ढाक के, ताकि हमारा ना सूखे ना आटा। अब ये हिसाब से हम इसको ढाक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हवा ना लगे, सूखे ना, इसलिए हम लोग ये हिसाब से अब 5 मिनट छोड़ देंगे इसको। अब आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट रखने के बाद इसको अच्छे से हम ढक के रखे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी तक ये हमारा आटा थोड़ा भी ना सूखा है ना कुछ है, बिल्कुल एकदम अच्छा हमारा सूजी एकदम बढ़िया से फूल गया है। और फूलने के बाद देखो हम ये हिसाब से इसको अच्छे से हम मसल लेंगे, और मसलना भी एकदम बढ़िया से है। ये जो चीज़ मैं बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से बिल्कुल एकदम घर बैठे बहुत आसानी से बना लो, बिल्कुल जितना बढ़िया आपका, देखो ये हिसाब से अच्छे से मसल लेना, और इसके अंदर गुठली ना रहे, ये बात बिल्कुल ध्यान देना। जैसे आटा लगा लिए, लगा के वैसे रख दिए, तो इसमें गुठली गुठली ना रहे। देखो आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा आटा हो गया है, और ऐसा ही करना है कभी भी, नहीं तो ये रवा है, अगर थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मसलने के बाद ऐसा, अब इसका हम थोड़ा सा दबा के चपटा करके कटिंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसका पेड़ा बनाए तो परफेक्ट बने। अब ये दबा के चपटा कर लिए, चपटा करने के बाद अब इसका हम कटिंग कर लेंगे, ये हिसाब से इसका कटिंग कर लेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम असली का तरीका है, ये तरीके से अगर बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। अब ये हिसाब से कटिंग करने के बाद उठा के रख लेना है पॉलीथीन के ऊपर, और इसको ऐसा ढक देना है, बिल्कुल शुरू से आखिरी तक इसको हमेशा ढक के ही रखना है। और उसके बाद एक एक लेना है, और इसका बढ़िया सा अपना पेड़ा बना लेना है एकदम, कोशिश जितना बढ़िया आपका पेड़ा बनेगा, एक साइज का पेड़ा बनेगा तो आपका गोलगप्पा भी एक साइज का बनेगा, और अगर छोटा बड़ा बनेगा तो आपका छोटा बड़ा गोलगप्पा भी बनेगा। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो साइज बन रहा है कितना बढ़िया, और ये ना फूटेगा भी नहीं, और जब बेलेंगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। और अगर बनाए होंगे आप लोग गोलगप्पा तो देखते होंगे सूजी का जो आटा है वो बेलते वक्त पूरा चारों तरफ से फट जाता होगा, तो ये अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो कभी नहीं फटेगा, मैं पूरे गारंटी पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ये तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। अब ये हिसाब से हम पहले चलो पूरा कटिंग कर लेंगे, कटिंग करने के बाद आगे क्या करना है बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आप लोग आज आसानी से घर पर ही बना कर खाओ। अब हमारा जो पेड़ा है आप लोग देख सकते हैं हम एक साइज का ही बनाए हैं, और यही चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ, जितना बढ़िया आपका जितना अच्छा आपका साइज बनेगा वैसा ही गोलगप्पा आपका बनेगा। अब ये हिसाब से बनाने के बाद क्या करना है, देसी आटा, घर का देसी आटा लिए हैं, बहुत लोग तेल लगाते हैं लेकिन हम लोग कभी भी आटा ही लगाते हैं। देखो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर तेल लगाएंगे ना तो उसको जल्दी अगर नहीं बेलेंगे तो बाद में चिपक जाएगा पूरा, ये जो हमारा पेड़ा है पूरा एक दूसरे में चिपक के एकदम पूरा फिर से आटा एक जगह हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके अंदर ये गेहूं का आटा लगाते हैं। और गेहूं का आटा लगाने के बाद ये हो जाता है हमारा परफेक्ट एकदम गोली बन के रेडी। अब इसको निकाल लेंगे हम ऐसा पॉलीथीन के अंदर, ये आ गया देखो। अब ये एक घंटा भी अगर इसको बेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसका फायदा यही है। अब चलो हम इसको बेल लेते हैं, बेलना कैसा है, और जो लोग भी सोच रहे हैं घर बैठे अगर बिजनेस करना तो मैं उनके लिए एक स्पेशल चीज़ दिखा दूं। देखो ये हमारा पानीपुरी का मशीन है, ये हम लोग मशीन से भी बनाते हैं और हाथ से भी बनाते हैं। अब देखो इधर हमारा अभी हाथ से हम लोग बेल रहे हैं, इधर हाथ से बेल रहे हैं, और उसके बाद अभी हमारा पूरा पेड़ा बनने के बाद अब इसके अंदर देखो प्लेट है, अभी ये प्लेट निकाल के बाहर अब इसमें हम बेलेंगे सबसे पहले, उसके बाद हो इसको ले जाके जब फ्राई करेंगे। मैं सबसे पहले दिखा दूँ आप लोगों को बेलना कैसा है, क्योंकि हाथ से बना सबके पास तो मशीन नहीं रहेगा, इसलिए बेलना कैसा तरीका वो जान लो। ये पहले आप लोगों को मैं हाथ वाला दिखा दूं, और जो लोग सोच रहे हैं मशीन से बनाना उनके लिए भी बताऊंगा कि बनाना कैसा, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अब देखो जो हम लोग हाथ से बेल रहे हैं, ये सबसे पहले इसका साइज देखो, और कोशिश करना है कि एकदम एक ये मोटा पतला ना रहे, चारों तरफ से जब आपका
एक जैसा रहेगा तो आपका पानी पूरी गोलगप्पा भी एक जैसा ही बनेगा। देखो हमारा साइज कैसा है, अभी ये हिसाब से हम लोग बेल के रखते हैं इसको, और कभी भी आप लोगों को ऐसा ही बेल के रखना है। और ये जो हमारा कपड़ा है आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा पूरा सूखा कपड़ा है, ये कंफ्यूजन में ना रहे कि हमारा गीला कपड़ा है, गीला नहीं पूरा सूखा कपड़ा है। और ये हिसाब से देखो, सबसे पहले बेलना जब शुरू किए थे हम लोग तो एक नीचे एकदम शुरू में ये कच्चा कपड़ा लगा दिए थे, उसके बाद सूखा कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर हम बेल के रख रहे हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा, जैसे मैं अभी बताया हूँ एक कटोरा बनाना है, तो आप लोग बड़ी सी पॉलीथीन ले लो, उसके ऊपर बेल के रखना है, और सिर्फ हवा नहीं लगने देना है, सूखे ना बस। ये आपका अगर सूखा तो समझो पपड़ी बन जाएगा, अगर नहीं सूखा तो गोलगप्पा बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ अगर ज़्यादा बना रहे हैं 1 किलो 2 किलो तो उसके लिए ये जो हमारा कपड़ा है ये मोटा कॉटन का कपड़ा है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं आप लोग देख सकते हैं, मोटा कॉटन का कपड़ा है ये वाला लेना है और इस पे बेल के रखना है। अगर थोड़ा सा बनाना है तो पॉलीथीन लेना है। अब ये हिसाब से हम पूरा बेल लेंगे, बेलने के बाद मैं 1 घंटा छोड़ूंगा, उसके बाद फ्राई करूंगा, और बनेगा कैसा कमेंट में आप लोग जरूर बताना। आप लोग देख सकते हैं जो हमारा जो एक कटोरी सिर्फ आटा लगाया था, और देखो जो हमारा फ्राई हो रहा, सबसे पहले मैं आप लोगों को वही दिखा देता हूँ, और देखो कितना बढ़िया और कितना एक साइज का है। ऐसा अगर आप लोग भी सोच रहे हैं घर बैठे आसानी से बनाना, तो आप लोग भी बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट एकदम बढ़िया। देखो कितना क्रिस्पी और कितना करंची है आप लोगों के सामने, अगर ऐसा आप लोग भी सोच रहे हैं, जबकि देखो बारिश के छींटे भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर साइज देखेंगे तो एक पपड़ी नहीं बनेगा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। अगर ऐसा आप लोग भी सोच रहे हैं ना पानी पूरी गोलगप्पा बनाना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा वीडियो। अब जो कि इधर देखो, इधर भी हमारा जो फ्राई हो रहा है देखो कितना ज़बरदस्त। ये हिसाब से अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ना, तो आज का तरीका मैं जो बताया हूँ एकदम परफेक्ट एकदम रियल। और देखो इधर से अगर मैं दिखाऊँ चारों तरफ से एकदम बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास ही दिखेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एक बार दिखा दिया आराम आराम से फ्राई करके उसके बाद पूरा ख़राब है, तो ऐसा नहीं। आप लोग देख सकते कितना ज़बरदस्त फूल रहा है, ये रहा असली तरीका। अगर ऐसे आप लोग भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये है, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल रहा है। अगर सिर्फ कढ़ाई के अंदर फेंक देना है बस, अभी देखो ये गया कढ़ाई के अंदर, देखो कि कैसा फूल रहा है, एकदम फूली फूली क्रिस्पी करंची। और एक साथ में आप लोग देख सकते हैं कम से कम 60-70 पूरी 80 पूरी तो हमें ऐसी फेंक देते हैं बस। और देखो एक पपड़ी फिर भी नहीं बनेगा, जो हिसाब से हम लोग फ्राई कर रहे हैं एक पपड़ी नहीं बनेगा। अगर मेरे हिसाब से आप लोग बना लेंगे एकदम ज़बरदस्त, और हमारा आप लोग देख सकते हैं फ्राई करने का तरीका कुछ ऐसा है, देखो पूरा एकदम रियल में असली में। अगर आप लोग भी घर बैठे बनाना खाना सोच रहे हैं बाजार जैसा, तो आज के बाद किसी से पूछने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी आप लोगों को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।